अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आप लोग पूछते रहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका में कौन से ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी वो लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, उनका जॉब सिक्योर रहता है। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं उसी पे बातचीत करूँगा और मैं दिखाऊँगा, मैं खुद एक जगह में आया हूँ अमेरिका के ऐसे जगह में जहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ाई का काम कर रहा हूँ। बढ़ाई पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और आप मैं जब काम करूँगा तो आप देखेंगे तो जानेंगे। तो उस काम में बहुत अच्छी यहाँ पर सैलरी मिलती है। वैसे ये जिस जगह पर मैं आया हूँ बहुत खूबसूरत जगह है, जगह का नाम अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बस अभी काम देख लीजिए और जो मैं बात कर रहा हूं उसको थोड़ा बहुत सुन लीजिए। और वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मैं हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से, बहुत सालों से अमेरिका में रहता हूँ या प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। और जो भी छोटे गाँव, छोटे शहर, छोटे कस्बे के लोग हैं उनको यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, यहाँ और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में अपने समझ के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से इन छोटे छोटे वीडियो के द्वारा थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरब जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो भाई ये घर है जिसमें काफ़ी सारा काम है, ये खिड़की वगैरह जो है वो नहीं काम कर रहा है, खुल नहीं रहा है, और ये खिड़की भी नहीं खुल रहा है। फिर इधर भी है काफ़ी सारा चीज़, आप देख रहे होंगे ऐसे घर अभी रेडी नहीं है, घर बन रहा है। ये घर लकड़ी का नहीं बना हुआ है, ये घर जैसे इंडिया में बनता होता है सीमेंट का वैसे ही है। ये साफ लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता आपको, लेकिन ये यहाँ पर देख रहे हैं वायरिंग कुछ कुछ कनेक्शन ठीक नहीं है। यहाँ पर ये काफ़ी पुराना हो गया है दरवाजे का नाप, तो ये सारा कुछ बदलना है। ये नीचे बहुत सारा फ्लोरिंग वगैरह को साफ करना है। इधर भी वैसे ही है, खिड़की टूटी वगैरह है। यहाँ पर बाथरूम का हाल भी ठीक ठाक नहीं है, यहाँ पर तो खिड़की का पूरा हाल ही ख़राब है, ये टूट चुका है, ये वाला जो उसका डोर नाब है यहाँ पर रस्ट है, जंक लगा हुआ है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको कोई फिक्स करता है ना, अब कौन करता होगा इसको सोचिए आप, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं फिक्स कर रहा। जैसे ये मिरर है, मिरर में यहाँ पर इतना सारा दाग लगा हुआ है। तो वैसे ही छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इस घर में जिसको फिक्स करना है, 15 दिन महीने दिन का काम जाता है। तो उस काम को जो भी करते होंगे वो कोई ना कोई तो कर रहा है ना, इतने सारे घर होते हैं अमेरिका में। तो इस काम को करने के लिए आपको हैंडीमैन, यहाँ अमेरिका में उसको हैंडीमैन बोलते हैं जो ये सब चीज़ों को करते हैं, या प्लम्बर, इस तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है। हैंडीमैन क्या करता है, वो सब चीज़ करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का काम, थोड़ा सा साफ सफाई का काम, मतलब वो ऑलराउंडर टाइप का होता है। और प्लम्बर जो है वो ज़्यादातर पाइपिंग, पानी का, वो सब का व्यवस्था करता है। तो ज़्यादातर ऐसे जगह में जहाँ पर मैं अभी हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने बोला था इतना जान लो कि अमेरिका का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ पर उसको हैंडीमैन बोलते हैं। हैंडीमैन बहुत बहुत जरूरी और बहुत बड़ा स्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, साफ सफाई का और बहुत सारी चीज़ें। और इसको अगर आपको ये आता है ना तो आपको निश्चित रूप से इसमें करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, और इसका डिमांड इतना है मैं बता नहीं सकता। तो एक घंटे का यहाँ पर जो हैंडीमैन होता है वो कम से कम $100 से $200 के बीच में लेता है एक घंटे का, अगर वो और वो खुद के लिए भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए काम करो या बहुत आप विज्ञापन करो, लोग आपको खोजते रहते हैं यहाँ पर हैंडीमैन को, प्लम्बर लोगों को, ऐसे लोगों को। मैंने पुराने वीडियोज़ में वैसे बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं प्लम्बर के ऊपर, मेरा एक दोस्त था ब्रायन, वो भी प्लम्बर है, वो कितना पैसा बनाता है, लाखों करोड़ों में वो पैसा कमाता है। और बहुत सारे मेरे ऐसे ही दोस्त हैं जो ज़मीन से मतलब जुड़े हुए, जो आम लोग हैं, तभी मैं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स के बारे में पता चलेगा मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको जॉब दे दूंगा कि वो जॉब आपको मिल जाएगा, उसमें भी संघर्ष है, ऐसा नहीं है। कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे या जिन चैनलों से आपको जानकारी मिलती हो तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। वैसे यहाँ पर अभी मेरा एक और दोस्त है जो आएगा, जो अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो इस घर में हम 15 दिनों का लगभग काम है, तो काम हमारा चल रहा है। मैंने सोचा ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दूँ, शायद आपके लिए फ़ायदा हो, शायद ये आपको इंस्पायर करें कि आप इस तरीके के जॉब भी कर सकते हैं। ठंडे जगह में रहने की लंबे समय से आदत हो गई है ना, तो गर्मी वाले जगह में हालत ख़राब हो जाती है। तभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक प्लम्बर जो हमारा दोस्त है, उसका नाम बड़ा सुंदर है, आप मिलेंगे, अभी आ रहा होगा, अभी वो घर में, देखिए उसका घर। उस गाड़ी में जाएंगे हम कुछ सामान लेने और उससे बातचीत भी करेंगे। ये आ गया अपना भाई साहब। फ्रेंकी हियर प्लम्बर, हाउ मच मनी दे मेक इन वन डे? The plumber, how much they charge? It depends on the job. Okay.
No, you see the job and tell you how much is. Okay. How did you learn? For carpenter, for wood. I go to the school. Oh. For carpenter. How many years? School? No, it's one class. Okay. You have to stay like 3 years. Okay. Because when you got the 12th grade, yeah. You done everything. Oh. When I reach, stay in the 9th grade, yeah. I started the school. Okay. Charge. They call him for anything. भाई हमारे इस दोस्त का नाम है फ्रेंकी, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा प्यारा आदमी भी है। अंग्रेजी बोलने का थोड़ा दिक्कत है, स्पेनिश भाषा बोलता है, तो आप भाषा पे जो भी समझ नहीं बनेगी उसके बारे में उसको मैं हिंदी में बताता रहूँगा, लेकिन फिर भी आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। और आप इन जो छोटी छोटी बातें हैं कि वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आना होता है, उन चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो में बताते रहता हूँ। ऐसे वीडियो में मैं सिर्फ उनकी यात्रा दिखाता हूँ कि वो कितना पैसा कमाते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है या जो भी है। बाकी वीज़ा के बारे में, ये जो जैसे प्लम्बिंग का वीज़ा हो गया या किसी भी चीज़ का, उसका अलग से मेरे चैनल में रहता है, तो आप उधर भी जाके जुड़े रह सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं दुकान कुछ सामान लेने। कि बता रहा था कि वो हाई स्कूल के समय ही प्लम्बिंग और कारपेंट्री का काम सीखने चला गया था और वो पूरे लाइफ यही करता रहा। उसके बच्चे भी करते हैं यही काम, उन्होंने अपना लाइफ सेट कर लिया है अमेरिका में। ये भी अभी अब करता कम है काम, रिटायर्ड हो चुका है एक तरीके से, लेकिन फिर भी ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि अगर आप 10 से 15 लोगों को जोड़ेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा डायरेक्ट। उसका बहुत लोगों ने मुझे बोला मैं धंधा कर रहा हूं या ऐसे कुछ। तो देखो, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे पैसा नहीं मिलता है सब्सक्राइब करने से। कई लोगों को मिलता है व्यू के कारण, लेकिन सब्सक्राइबर से नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करने का मतलब मेरा यही है कि इस तरीके की जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जब वो जानकारी पहुँचे तो वो अपने उन चीज़ों के बारे में सोचे ना। लड़कियाँ जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लड़कियों के लिए क्या अमेरिका में जॉब होता है। और बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर टाइप का स्किल हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो मेरी कोशिश बस यही है कि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, ज़्यादा गाँव के लोग आगे बढ़े, यहाँ आए या जो भी है, अपने परिवार को संभालें, अपने समाज को संभाल सके वो ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन अगर आपको जानकारी मिलती है, सिर्फ वो जानकारी पर्याप्त है आपके लिए, तो आपको सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे बात करें, लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, इसीलिए वो छोटा सा रिक्वेस्ट था कि आप 10 से 15 लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं आपको अपना एक घंटा दे सकूं। इतने सारे लोग होते हैं और उन एक घंटे में आपको जो पूछना है दोस्त आप पूछ सकते हैं, और मैं बहुत ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो नियम है, जो भी कानून है, जो बातें हैं, वो ईमानदारी से स्पष्टता से बताऊंगा। तो भाई बहुत सारे लोगों ने ये काम कर दिया है अभी, वैसे अगर आपने नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, और अपना नंबर मुझे इंस्टाग्राम में या ईमेल में भेज देना। इंस्टाग्राम और मेरा ईमेल का आईडी तो वीडियो के आखिरी में आता है हर यूट्यूब के। वैसे ये जो एरिया है ये थोड़ा सा गांव टाइप का इलाका है यहाँ अमेरिका का, और यहाँ पर कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। अब जगह का नाम गेस करके देखना, मैं बताऊंगा फिर बाद में पता चलेगा कि आप सही थे कि नहीं। कोई कहीं पर भी अंग्रेजी नहीं बोलता है बिल्कुल भी, सब स्पेनिश भाषा बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ के गाँव वालों के लिए ये जो दुकान है वॉलमार्ट, यहीं पर बस लोग दिखते हैं, बाकी जगह में बहुत कम लोग दिखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं और फ्रेंकी आए हुए हैं, भाई इसको ले रहे हैं, एक स्टोव है। भाई साहब देख रहे हैं अंग्रेजी नहीं बोलता यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा था कोई भी बचा था उसको भाई साहब पैक करके दे रहे हैं। तो आखिर में सार बात यह है इन सारे चीज़ों का कि अगर आप यहाँ पर प्लम्बर बनना चाहते हैं तो प्लम्बर जो होता है अमेरिका में तीन अलग अलग लेवल का होता है। वो अलग अलग लेवल के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उस कोर्स में एडमिशन लेना होता है, कैसे उसकी पढ़ाई करनी होती है, और हाई स्कूल के बाद आप यहाँ पर प्लम्बिंग के स्कूल में जा सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। जैसे तीन तरीके का होता है, उसमें का जो टॉप का प्लम्बर होता है उसको मास्टर प्लम्बर बोलते हैं। वो अपने लिए खुद के लिए काम कर सकता है ठेके में लेके या कैसे भी करके। तो एक मेरा दोस्त है जो प्लम्बर है, जिसके पास, जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग प्लम्बर होते हैं। तो कुछ प्लम्बर्स ऐसे होते हैं जिनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो बड़े प्लम्बर होते हैं मास्टर प्लम्बर, उनके असिस्टेंट में वो काम करते हैं। लेकिन एक और सीक्रेट बात ये बता रहा हूँ कि ये सारा चीज़ जो है ना, प्लम्बिंग का, कारपेंट्री का काम हो गया, कोई पूछते नहीं रहता है। अगर तुम बहुत बड़े बिल्डिंग बना रहे हो कुछ सरकारी टाइप का, तो उसमें लाइसेंस वगैरह पूछते हैं, लेकिन हर बार लाइसेंस नहीं पूछते हैं। तो वो अपने अगर मेरे घर को, जैसे मेरा एक घर है,
मेरे घर में मुझे कुछ छोटा सा काम करवाना है तो मैं थोड़ी ही देखूंगा, मुझे जहाँ सस्ता में मिलेगा मैं वहाँ करवाऊंगा। तो स्किल इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बोलता हूँ। आप मुझे चुंदी, जूहा, इमका, डिमका के बारे में पूछते हैं ना, तो मुझे लगता है यार उस टाइम का थोड़ा बढ़िया से उपयोग करो, कुछ खोजा करो कि क्या क्या कोर्स पढ़ सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो तो किसी चीज़ पर जाके स्किल सीख लो। स्किल सीख गए हो तो उसको उपयोग कैसे करना है दूसरे देशों में, और उसके लिए लगातार खोज करते रहना, पूछना, जानना, ये सब भी ज़रूरी होता है। मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेरा एक दोस्त ब्रायन है, वो ब्राज़ील से आके यहाँ पे रहता है। एक साल का वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए बनाता है, सही में बनाता है। उसके पास स्विमिंग पूल है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जुल्फों से परे, मेरे बातों पे थोड़ा बहुत भी विश्वास हो रहा हो तो ये जान लो कि वो डॉक्टर लेवल का नौकरी है ये। मतलब नौकरी है ही नहीं, आप अपने लिए काम करते हैं। किसी से भी अगर प्लम्बर है जो अमेरिका में, उनसे पूछ के देखना, अगर उनको सही तरीका आ गया ना इस सिस्टम को समझने का, तो फिर मतलब वो पैसा छापता रहेगा। और मुझे बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी ऑफिस में चले गए वो बैठे हैं, बहुत मैनुअल लेबर होता है। लेकिन आने वाले समय में आप ये याद रखना इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो, कि प्लम्बर, हैंडीमैन और ये जो कारपेंट्री वाले लोग हैं उनका ही जमाना होगा और वही सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। शाम के वक्त महासागर की लहरें बहुत बड़ी होती है, लहरें आती है यहाँ तलछट तक, फिर लहरें वापस चली जाती है। लहरों का अपना एक संघर्ष होता है, लहरों की अपनी एक आपाधापी होती है। इन महासागर की लहरों को देखिए, इतना बड़ा महासागर है, इसकी लहरें लगातार बदल रही है। तो वैसे ही जब भी कोई आपके मोहल्ले का हो, आपके घर का हो या कहीं का भी हो, तो कोई अगर ये बोल रहा है कि आप फलाना जाति से हैं, आप निम्न जाति से हैं, या लैंगिक तौर पर शोषण करते हैं, या फिर कुछ भी है, तो बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनके उन शब्दों को और उनकी उन बातों को किसी धुर्रा में फेंक दीजिए। यहाँ कोई कुछ भी नहीं टिकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो समंदर की लहरें बदल सकती हैं तो उनकी बातों का क्या। तो दोस्तों, आपके अंदर जो भी स्किल है और अगर नहीं है, तो उस सही स्किल को सही जगह और सही दिशा जानने और पहचानने के लिए लगातार संघर्ष होते रहना चाहिए, ताकि आप ये तय कर सकें, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति नहीं, ताकि आप ये तय कर सकें कि आप इस धरती में ताली बजाने और किसी के लिए दरी बिछाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और ना ही 24 घंटा किसी चूल्हा में आग जलाने के लिए। तो आप उस संघर्ष के जज्बे को और अपने उन परिस्थितियों से निकलने का जो संघर्ष है उसको बनाए रखिए। आपका भी वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। तो आपका जो मेहनत, मैं बार बार कहता हूँ कि उस मेहनत को सही जगह में सही तरीके से करते रहने की कोशिश होती रहनी चाहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए, और बाकी इस महासागर की लहरों से बहुत सारा प्यार आप सबके लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए। और जो भी सवाल होंगे आप पूछते रहना, मुझसे जुड़े रहना। शुक्रिया, जोहार दोस्तों।